एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, सामवेद के ऋषि कहते हैं, पवस्व सोम महांत समुद्र पिता देवानाम विश्वाभिधाम। हे परमेश्वर, तू अपनी शरण में आई हुई मलिन आत्माओं को पवित्र करता है। तू तो अमृत का सागर है, तू देवगणों का पिता है, सारा विश्व ब्रह्मांड तेरी हथेली पर रखा हुआ है, सारा जगत तुझ में ओत प्रोत है। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। मेरु पर्वत के शिखर पर ऋषि काक भुषंडे ब्रह्म ऋषियों से घिरे हुए बैठे हैं। गरुड़ देवता उनके चरणों में बैठे, आत्मा और परम ब्रह्म परमात्मा के रहस्य को समझ रहे हैं। काक भुषंडी कहते हैं, हो माया बस जीव अभिमानी, इस बस माया गुन खानी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। काक भुषंडे कहते हैं, हे गरुड़ देवता, अभिमानी जीव, संसार में अच्छे बुरे कर्म करने वाले लोग माया के वशीभूत हैं, और यह माया तीनों गुणों के सहित सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन सब के सहित उस ईश्वर परम ब्रह्म के बस में है। हो पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। जीव पर बस है दूसरों के बसी, समस्त जीव माया और ईश्वर के वशीभूत हैं, माया के वश हैं, ईश्वर के बस हैं, और जीव अनेक हैं, परमात्मा एक है, और वो किसी के बस में नहीं, उसके बस में सब हैं। परमेश्वर स्वतंत्र, सबको अपने वश में रखने वाला, सर्वोच्च सर्वव्यापी अनंत रूप है। हो मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिन हरि जाय न कोटि उपाया। परमेश्वर
अंतर्यामी। सकल सृष्टि के तुम स्वामी, परमेश्वर अंतर्यामी। सकल सृष्टि के तुम स्वामी। माया ने हजारों असत्य रूप जगत में बनाए हुए हैं और ये प्रपंच किसी भी उपाय से नष्ट नहीं हो सकता जब तक कि कोई परमेश्वर परम ब्रह्म का सिमरन भजन आराधना न करे। हो ऐसे ही हरि बिन भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। बिना परमेश्वर की आराधना भजन सुमरन के जीवों के कर्म और कलेश और दुख और जन्म मरण का शोक मिटता नहीं। बिना परमेश्वर की आराधना और तप के ये जीव इस प्रपंच से किसी भी तरह से छूट नहीं सकते। हो हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापै तेहि विद्या। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर के जो सच्चे सेवक हैं उनको अविद्या अज्ञान माया नहीं व्याप्ती, बल्कि परमेश्वर की प्रेरणा से उन सेवकों के हृदय में ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश यानी ईश्वरीय विद्या ब्रह्म विद्या की ज्योति झिलमिलाने लगती है और वे शांत आत्मा बन जाते हैं। हो ताते नास न होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई बिहंगर। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। इस तरह से हे गरुड़, परमेश्वर की शरण में गए हुए जीवों का कभी विनाश नहीं होता। परमेश्वर की आराधना और सिमरन के कारण उनके हृदय का अज्ञान नष्ट हो जाता है और प्रकाश उनकी आत्मा में स्थिर हो जाता है। काकभुषंडी कहते हैं, एक बार मैंने परमेश्वर की विचित्र माया को देखा। अपने ही शरीर से अलग होकर मैं अनेक ब्रह्मांडों में विचरण करने लगा। जिस तरह से आकाश में इंद्रधनुष बन जाता है, इसी प्रकार मैंने
अपनी आत्मा की परछाई को देखा और उसमें अनेक देवगण लोक लोकांतरों को मैं देखता रहा और उसमें विचरण करते हुए मुझे अरबों खरबों बरस हो गए। ठीक इसी प्रकार मार्कंडेय ऋषि ने भी अपनी आत्मा के प्रतिबिंब में नारायण को देखा था। प्रलय को देखते हुए वे जल में अरबों खरबों वर्षों तक अनेक ब्रह्मांडों में विचरण करते रहे और पुनः जब उन्हें होश आया तो अपनी आत्मा को उन्होंने अपने शरीर में और अपने शरीर को अपने आश्रम में पाया। इसी प्रकार मुझ काकभुषंडी ने ईश्वर की माया के अनेक रूप देखे और कभी मैं उसमें चकित होता था, कभी हर्षित होता था, कभी दुखित होता था और क्या देखा, अति विचित्र तह लोक अनेका रचना अधिक एक ते एका। विचित्र विचित्र अनेक प्रकार के लोक हैं, एक से बढ़ के एक रचना को मैंने वहां देखा। हो कोटिन चतुरानन गौरी सा अगणित उड़गन रवि रजनी सा परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। उन ब्रह्मांडों में मैंने करोड़ों ब्रह्मा देखे, करोड़ों शिव देखे, करोड़ों सितारे, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमाओं को मैंने विचरण करते हुए देखा। हो अगणित लोकपाल जमकाला अगणित भूधर भूमि विशाला परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। अनगिनत लोकपाल सिद्ध और यमराज मैंने देखे, अनेक पर्वत, अनेक विशाल विशाल भूमि मैंने देखी, सुर मुनि सिद्ध नाग नरकिंकर चार प्रकार जीव सचराचर देवताओं को मैंने देखा, मुनियों को मैंने देखा, सिद्ध नाग और किन्नर यक्ष गंधर्व कितने ही मैंने अनंत आकाश में विचरण करते हुए देखे। हो लोक लोक प्रतिभिन्न विधाता भिन्न वेष्ण शिव मनु दिसित्राता परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी।
अलग अलग लोकों में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु, अलग अलग शिव, अलग अलग मनु, अलग अलग दिग्पालों को मैंने देखा। हो अंड कोष प्रति प्रति निज रूपा, देखो जिनस अनेक अनुपा, परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी, परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। अनेक अनेक ब्रह्मांडों में मैंने अपने ही अनेक रूपों को देखा, अनेक वस्तुओं को देखा, अनेक अद्भुत रूप मैंने देखे, उनका वर्णन बड़ा कठिन है। ये सब देख के मुझे बड़ा भारी अचरज हुआ। फिर मैं बरसों तक इन लोकों में विचरण करता हुआ पुनः अपने मूल भौतिक शरीर में आकर स्थित हुआ और विचार करने लगा। हो भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहुव्यंजन जैसे, परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी, परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। हे गरुड़ देवता, मैंने गहन आत्म चिंतन किया, आत्मा का मंथन किया और ऐसा विचार मेरे हृदय में प्रकट हुआ कि परम ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति के बिना, उस परमेश्वर की आराधना के बिना संसार के सब सुख व्यर्थ और नीरस हैं, जैसे कोई हजारों तरह के व्यंजन बना के रख ले पर उनमें नमक न डाला गया हो तो फीके व्यंजन अच्छे नहीं लगते। ऐसे ही मनुष्य जीवन परमात्मा की तपस्या आराधना धर्म आचरण के बिना व्यर्थ है। हो जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दही, परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी, परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। करोड़ों ऋषि मुनि लाखों तरह के जतन करते हैं किंतु फिर भी उनको सच्चे गुरु की भक्ति और परमेश्वर की आराधना प्राप्त नहीं होती। योग अग्नि में कितनी ही बार वे अपने शरीर को भस्म कर देते हैं पर उस परम ब्रह्म परमेश्वर का प्यार उनको हासिल नहीं होता। हो भक्तिहीन बिरंची किन होई, सब जीवन सम वो भी होई, परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी, परमेश्वर
अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। भक्तिहीन परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर के प्रेम से रहित ब्रह्मा भी सब जीवों के समान ही साधारण गिने जाते हैं, यानी जो बड़े बड़े देवता हैं उनके हृदय में भी यदि विनम्रता ना हो, धर्म आचरण ना हो, तपस्या ना हो, विनम्रता भक्ति ना हो, तो उनमें और साधारण जीवों में कोई अंतर नहीं होता। हो भक्तिवंत अति नीच प्राणी मोहि प्राण प्रिय अस मम बानी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। पारब्रह्म परमेश्वर का वचन है। चाहे कोई अति नीच प्राणी हो, किंतु अगर वो भक्तिवंत है, भक्त है, वह मुझ परमात्मा को अति प्रिय और मित्र के समान मेरा अपना है। हो निज अनुभव अब कहूं खगेसा, हरि बिन भजन ना जाए कलेसा। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। काकभुशंडी ऋषि कहते हैं, हे गरुड़, अब अपना व्यक्तिगत अनुभव मैं तुम्हें कहता हूं। परम ब्रह्म परमेश्वर के भजन सिमरन के बिना जन्म मरण का दुख और हृदय से कलेश कभी भी किसी का भी समाप्त नहीं होता। इसलिए सबको चाहिए कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर की आराधना में, भक्ति में अपने मन को लगाएं। हो बिन गुरु ज्ञान विवेक न होई, गुरु बिन मुक्ति कभी न होई। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। गुरु के ज्ञान के बिना, गुरु की भक्ति के बिना विवेक नहीं होता, वैराग नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, और बिना गुरु के किसी की मुक्ति भी नहीं होती। हो बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी।
बिना संतोष के वासनाएं नष्ट नहीं होती, काम क्रोध नष्ट नहीं होते, और तृष्णा और कामनाओं के नष्ट हुए बिना किसी को सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। हो प्रभु भजन बिन मिट ही न काम, थल विहीन तरु कहाँ जामा। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। प्रभु परमेश्वर के भजन के बिना काम आसक्ति का विनाश नहीं होता, और जैसे थल के बिना, पृथ्वी के बिना कहीं पेड़ नहीं जमता, ऐसे ही कामनाओं के नष्ट हुए बिना परमेश्वर का प्रकाश कहीं प्रकट नहीं होता। हो बिन विज्ञान न समता आई, अंबर में किस विध कोई जाई। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। बिना आत्मा का ज्ञान हुए, बिना तत्व ज्ञान हुए, मनुष्य के हृदय में समता नहीं आती, यानी हर किसी में उसको उस परम ब्रह्म का दर्श नहीं होता, और वो सबसे धर्मयुक्त आचरण नहीं कर पाता। जैसे कोई आकाश में चल नहीं सकता, या आसमान में रस्सी फेंक के उस रस्सी पर कोई चढ़ नहीं सकता, ऐसे ही तत्व ज्ञान के बिना, आत्मा के ज्ञान के बिना, उस परमेश्वर का ज्ञान भी किसी को संभव नहीं होता। हो श्रद्धा बिन धर्म नहीं होई, बिन मही गंध ना पावई कोई। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। जब तक हृदय में श्रद्धा उत्पन्न ना हो, तब तक कोई धर्म का आचरण नहीं कर सकता। जैसे गंध सुगंध तो पृथ्वी से ही प्राप्त होती है, ऐसे ही धर्म का सार श्रद्धा से ही प्राप्त होता है। हो बिन तप तेज की कर विस्तारा, जल बिन रस की होई संसारा। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। बिना तप और तेज के ज्ञान, बुद्धि, विवेक, आत्मज्ञान का विस्तार नहीं होता। जैसे जल के बिना रस नहीं होता, ऐसे ही बिना तप के
ना ये संसार ना परलोक में किसी की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। हो सील की मिल बिन बुद्ध सेवकाई, जिमी बिन तेज न रूप गोसाई। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। शील चरित्र की उच्चता, सत्पुरुषों और गुरु की सेवा के बिना किसी को प्राप्त नहीं होती। ऐसे ही अग्नि के बिना, तेजस के बिना जैसे किसी को रूप प्राप्त नहीं होता। हो निज सुख बिन मन होई किथीरा, परस की होई विहीन समीरा। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। आत्मानंद के बिना मन स्थिर नहीं होता। जगत में वायु ना हो तो हमें स्पर्श का अनुभव किसी भी तरह से नहीं हो सकता। हो कवन सिद्धि की बिन विश्वासा, बिन हरि भजन ना भव भय नासा। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। मंत्र में विश्वास ना हो, परमेश्वर में विश्वास ना हो, गुरु में विश्वास ना हो, और गुरु ने जो तरीका साधना आराधना का बताया है उसमें विश्वास ना हो, तो क्या किसी को सिद्धि प्राप्त हो सकती है? नहीं। इसी तरह परमेश्वर के भजन सिमरन के बिना आवागमन, जन्म मरण, भव सागर के भय को कोई पार नहीं कर सकता। भव का भय बिना परमेश्वर की आराधना के नष्ट नहीं हो सकता। हो निज निज मति मुनि हरि गुण गावे, निगम शेष शिव पार न पावे। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। काकभुषंडी कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मुनिगण ऋषिगण उस परम ब्रह्म परमेश्वर की महिमा को गाते रहते हैं, किंतु ना तो वेद, न शेषनाग, न शिव, न अन्य देवता ही उस परमात्मा के रहस्य को कोई भी नहीं जानता। कोई भी उस परमेश्वर की
महिमा को पूरी पूरी तरह से न समझ सकते हैं, न उसका बखान ही कर सकते हैं। हो सकल कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोट अमित अवकाशा, परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। वो परमात्मा कैसा है? करोड़ों अरबों खरबों इंद्र के समान ऐश्वर्यवान, बल्कि उससे भी महान और अद्भुत। करोड़ों करोड़ों अरबों आकाश और अंतरिक्ष से भी परे, कि जिसके पार को कोई जान नहीं सकता। हो प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला, परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। वो परमात्मा अरबों खरबों पातालों के जैसा अगाध, करोड़ों अरबों खरबों यम के समान न्यायशील, सबको संभालने वाला, सब पर करुणा करने वाला, सबको अपने वश में रखता है। हो तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग पाप न सावन, परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। वह परमेश्वर अरबों खरबों तीर्थों के समान पवित्र, और उसका नाम अनंत पापों को नष्ट करने वाला, आत्माओं को पवित्र करने वाला है। हो शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई, परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। वो परमेश्वर करोड़ों सरस्वती उनसे भी ज्यादा चतुर, बुद्धिमान, ज्ञानवान, और अरबों खरबों ब्रह्माओं से भी ज्यादा असंख्य अनंत सृष्टियों को उत्पन्न करने वाला है। हो विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संघरता, परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर
अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। हे गरुड़ देवता, इस बात को मैंने अपनी आत्मा की आंखों से देखा और अनुभव किया है कि वो निराकार ब्रह्म, वो सर्वव्यापी और वो खरबो विष्णु से भी ज्यादा सृष्टियों का पालन करने वाला और करोड़ों करोड़ों रुद्रों से भी अधिक संहार करने वाला महान महिमावान वो परमेश्वर है। उसकी आराधना करने वाले धन्य धन्य हो जाते हैं, कृत्य कृत्य हो जाते हैं। हो धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। वो परमेश्वर अरबों खरबों कुबेरों से भी बढ़कर धनवान है और माया का प्रपंच उसके सामने भला क्या है। उसने सृष्टि के असंख्य खजाने और चमत्कार रचे हुए हैं, उसकी महिमा को भला मैं तुमसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किस मुँह से उसका बखान करूँ। हो भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्विद निरुपम प्रभ जगदीसा, परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। हे गरुड़ देवता, मैंने देखा कि वो परमात्मा अरबों खरबों शेष नागों से भी ज्यादा बलवान असंख्य ब्रह्मांडों के बोझ को अपने मस्तक पर धारण करने वाला, वो सीमाओं से रहित उपमाओं से रहित वो प्रभ जगदीश्वर ऐसा है कि अरबों खरबों युगों तक उसकी महिमा मैं करता रहूं, तुम सुनते रहो, फिर भी उसका कहीं अंत नहीं, उसका ओर छोर नहीं। हो गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। काकभुषंडी कहते हैं, हे गरुड़ देवता, मैंने गुरु की कृपा से उस परमेश्वर की अनंत महिमा को देखा और एक बात और आप हृदय में रख लीजिए कि गुरु के बिना कोई भी भयानक इस भवसागर को पार नहीं कर सकता, चाहे वो गुणों में शिव ब्रह्मा और विष्णु जैसा ही क्यों ना हो जावे। गुरु की महिमा अपरंपार है, गुरु को सदा ही ईश्वर के समान जानना चाहिए। हो
अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। हे गरुड़ देवता, ये चराचर जगत, ये असंख्य जीव, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, देवता, मनुष्य, ये सब उस काल का भोजन है। विश्वरूपी वृक्ष पर, जगत रूपी वृक्ष पर ये जीव, ये देवता, ये सिद्ध, ये ऋषि फलों की तरह लगे हैं और उन फलों को ये काल तोड़ तोड़ कर खाता रहता है। हो अंड कड़ा अमित लयकारी काल सदा दुरति क्रम भारी परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। हे गरुड़ देवता, असंख्य ब्रह्मांडों को यह काल नष्ट कर देता है, ऐसी इसकी मर्यादा है। इस मर्यादा को कोई भी, काल की इस मर्यादा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। हो जप तप मख सम दम व्रत दाना विरति विवेक जोग विज्ञाना हो सब कर फल प्रभु पद प्रेमा तेहि बिन को ना पावै छेमा परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। काकभुषंडी कहते हैं, हे गरुड़, जप तप यज्ञ समदृष्टि इंद्रियों का दमन असंख्य व्रत उपवास दान आदि विवेक योग अभ्यास आत्मज्ञान और विरक्तता इन सब का फल एक है कि परमेश्वर के चरणों में और गुरु के चरणों में प्रेम पैदा होवे। इस प्रेम के बिना कोई भी कल्याण को नहीं प्राप्त कर सकता। हो तजऊ न तन निज इच्छा मरना तन बिन वेद भजन नहीं बरना परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी परमेश्वर अंतर्यामी सकल सृष्टि के तुम स्वामी। गरुड़ देवता ने पूछा, हे महान ऋषि, आपने इतने असंख्य लोक देखे, असंख्य ब्रह्मा असंख्य शिव देखे,
सबका विनाश हो जाता है, किंतु हमने सुना है प्रलय होने पर भी आपकी मृत्यु नहीं होती, इसका क्या कारण है? तब ऋषि काकभुशंडी ने कहा, मुझको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। वेद कहता है कि शरीर के बिना परमेश्वर का भजन नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपने शरीर को यत्न पूर्वक रखे हुए हूं, और जब तक मेरी इच्छा ना हो मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। हो कवन जो निजन में हूँ जहनाही, मैं खगेश भ्रमे जग माही। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। हे गरुड़ देवता, कौन सी ऐसी योनि होगी जिसमें मेरी जीवात्मा नहीं गई? कितनी ही बार कितने ही शरीरों में मेरी आत्मा भ्रमण करती रही। सुधी मोहिनाथ जन्म बहु केरी, मुझको अपने बहुत से पिछले जन्मों का वृतांत याद है। शिव प्रसाद मति मोह न घेरी, भगवान शिव की कृपा से उन्होंने मुझे वरदान दिया था, मैं किसी भी शरीर में चला जाऊं मेरी स्मृति आत्मा का ज्ञान और ईश्वर आराधना हर शरीर में बनी रहेगी। हो सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। गरुड़ देवता, मैं हर एक युग में स्थिर रहता हूँ, सतयुग त्रेता द्वापर ये सब मैंने देखे, और कलयुग को भी मैंने देखा। कलयुग का क्या वर्णन करूं, इस कठिन कली काल में सब नर नारी पाप परायण हो जाते हैं, पाप आचरण में डूब जाते हैं। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, कोई नहीं माने निगम अनुशासन। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को ही खाने वाले बन जाते हैं। कलयुग में कोई भी वेद के अनुशासन को वेद के ज्ञान को नहीं मानते। हो मारग सोई जा कहूं मन भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। कलिकाल में सब अपने मन मते से चल पड़ते हैं, जिसको जो अच्छा लगे वो ही उसका धर्म माना जाता है। जो ज्यादा बकवाद करे
उसी को लोग पंडित समझते हैं। हो मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूं संत कहें सब कोई। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। कलयुग में जो तरह तरह के पाखंड दिखाए, अभिमान में ऐंठ से टैंट रहे, किसी की सुने नहीं, दूसरों की बातों को काटता रहे और बोलने से पीछे ना हटे, कलयुग में उसी को लोग संत कहते हैं। हो सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। कलयुग में वे ही महान बुद्धिमान कहे जाते हैं, जो दूसरों का धन हरने में कुशल, वे ही बड़े आचार्य आचारवान कहे जाते हैं, बड़े बुद्धिमान कहे जाते हैं, जो अहंकार से भरे रहते हैं, अपनी बात को ऊपर रखते हैं, सही बात को भी मानते नहीं, वेदों का खंडन करते रहते हैं, मिथ्या बकवाद करते रहते हैं, उन्हीं को लोग कलयुग में महापुरुष समझते हैं। हो जो कह झूठ मस्करी जाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। कलयुग में जो झूठ बोलने में सबसे आगे, मस्खरीपन में सबसे आगे, झूठी बातें बना बना कर लोगों का दिल जो बहलाता रहे, कलयुग में उसी को बड़ा भारी गुणवंत ज्ञानवान समझा जाता है। परमेश्वर अंतर्यामी, सकल सृष्टि के तुम स्वामी। 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 सकल सृष्टि के तुम स्वामी। सकल सृष्टि के तुम